क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, इसमें क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस cosec थीटा बाई 1 माइनस cosec थीटा, यही है। तो sec थीटा प्लस tan थीटा के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना। और थीटा के लिए 0 to 90 दिया है, ये ध्यान में रखना है। प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा, कोसेक को अगर हमने 1 बाई साइन में लिखा तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1, नीचे आ गया आपका साइन थीटा माइनस 1। तो क्या है, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, इसको हमने तो डिस्टर्ब ही नहीं किया। कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा माइनस 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा फिर 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा माइनस 1। 1 प्लस साइन थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, एक बच गया कि 1 प्लस साइन थीटा है नीचे है 1 माइनस साइन थीटा, प्लस में आ गया साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस 1। अभी देख लीजिए क्या हो गया, दोनों मिलके तो 0 हो जाएगा, तो सही आंसर क्या है, 0। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने का और मेथड क्या हो सकता है कि आप वैल्यू पुट करके तो हमेशा ही कर ही सकते हो, हमेशा नहीं मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके हो ही जाता है। इसमें वैल्यू पुट करना होता तो क्या पुट करते, रूट टू ही पुट करते, मतलब थीटा के वैल्यू 45 पुट करके चलते, फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा तो लेंदी होता लेकिन आंसर जल्दी ही आ जाता, तो वो भी कर ही सकते हैं। इसमें आप थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करके कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ही हम इस वीडियो को एंड करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।